हे एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू अवर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दबाव। इस चैप्टर से ऑलरेडी हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। चूंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए हमें इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आप नए विजिटर हमारे चैनल पे तो पूरे साइंस के चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4 हमने अपलोड कर दिए हैं, प्लस इंग्लिश के सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, या सिंपली चैप्टर का नाम टाइप करके / एजुकेशनल हाइक्स करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर, दबाव, इसके पहले ऊपर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा हमने फ्रिक्शन, पढ़ा हमने मस्कुलर फोर्स, पढ़ा ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स उन वीडियोस को नहीं देखा, या डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वाइज तीनों पार्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दबाव, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। तुमने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर तूफान आती है या समुद्री जो साइक्लोन होती है ये आ जाता है, तो इन सब के आने से हमारे छतों के जो टॉप होते हैं रूफ टॉप तक उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ से अगर हवा चलती है तो अगर कोई भी घर छप्पड़ होता है या टीना का होता है तो वो उड़ जाता है। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाई द डिफरेंसेज इन एयर प्रेशर। तुमने ये भी जाना है कि जो विंड्स जो हवाएं चलती हैं और जो साइक्लोन्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जितना ज़्यादा एयर का दबाव होगा तो बहुत ज़्यादा दबाव होगा तो साइक्लोन होगा, थोड़ा सा एयर प्रेशर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, क्या प्रेशर और फोर्स में, बल एवं दबाव में कोई रिलेशन है क्या, लेट अस फाइंड आउट। चलो पता करते हैं। एक एक्टिविटी है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। जैसे ये इंसान, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने कीला लिया हुआ है और जो नुकीला पार्ट है उसको नीचे रखा है और जो जिस पर हथौड़े से चोट की जाती है वो ऊपर रखा है उन्होंने। क्या कहा इन्होंने, कहा है कि ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। क्या करो कि एक कील को उस लकड़ी का जो तख्ता है या जो भी कुछ है उस पर तुम ठोकने की कोशिश करो। एक बार ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे ले जाओ, फिर तुम हथौड़ी से चोट करो और देखो क्या होता है। दूसरी बार क्या करो, जो नुकीला हिस्सा है उसको नीचे करो, फिर हथौड़ी से चोट करो, देखो क्या होता है। आगे देखते हैं, ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ। एक बार तुम जो चाकू होती है, जो बहुत धारदार चाकू होती है, उससे सब्जियां काटो, और एक जो मूर्छित चाकू होती है जिसमें धार नहीं होती है उसको काटो, उससे सब्जियां काटो। अब देखो क्या फ़र्क क्या पड़ता है, सब्जियां उससे ज़्यादा जल्दी कटेंगी जो चाकू शार्प होगा, जो चाकू नुकीला होगा। बस हमें यही पढ़ना था इस एक्टिविटी से। अब देख लेते हैं प्रेशर मतलब होता क्या है। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया over which the force is applied, for example, हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कि क्या तुम्हें महसूस हुआ कि अगर area कम होता है जिस पर हम प्रेशर लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो कील वाला एग्जांपल हमने लिया था इसमें क्या है, यहाँ पर भाई साहब जब नुकीले जो नुकीला वाला पॉइंट है उससे जब वो अपने लकड़ी पे क्या करेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, तो जल्दी से नेल क्या होगा, अंदर चला जाएगा। वहीं पे जब ऊपर वाले हिस्से से ये मारेंगे तो नेल जल्दी अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का एरिया बड़ा है और छोटे वाले का एरिया क्या है, छोटा है, समझ गए। तो जिसका एरिया छोटा होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसका एरिया बड़ा होता है उस पर कम प्रेशर लगता है। जैसे यहाँ पर प्रेशर का इसने डेफिनेशन लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर। मतलब वो फोर्स जो किसी एरिया के यूनिट जगह पर लगाया जाए उसे हम फोर्स कहते हैं। जैसे चाहिए एरिया जब नुकीला होगा, जब एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया जब बड़ा होगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे सेम यहाँ पर इसने कहा गया है, जो अंडरलाइन पॉइंट है इसको थोड़ा प्यार से पढ़ते हैं। नोट दैट द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर इन द एबव एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें एरिया नीचे है, फोर्स ऊपर है, इससे क्या पता चलता है। सो द स्मॉलर द एरिया, जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना कम एरिया होगा
उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। द सेम फोर्स देयर फोर प्रोड्यूसेज अ प्रेशर सफिशियंट टू पुश। अगर तुम एक बार हथौड़े से चोट कर रहे हो किसी कील पर, अगर कील का एरिया पॉइंटेड है तब तुम्हें सेम फोर्स में वो कील अंदर चला जाएगा, तुम्हें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एरिया बड़ा है तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। समझ में आया? यस। Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps? अब तुम्हें समझ में आया कि जो स्कूल बैग होते हैं उसका जो शोल्डर पे लटकाने वाला जो वो होता है कपड़ा, उसको क्या करते हैं, वो मोटा क्यों बनाया जाता है? ताकि जब एरिया बड़ा होगा तो हमारे कंधों पे प्रेशर कम पड़ेगा। एरिया वहीं पर छोटा होता तो हमारे कंधों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता और दुखने लगता कंधा। नाव अब यहाँ पर ये पहली है, ये क्या कह रही है, कह रही है कि अभी मुझे समझ में आया कि ये जो पोर्टर है, ये जो कूली है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने सर पर लाल कलर का कपड़ा बांधा हुआ है, जिससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है और उसके सर पर प्रेशर कम पड़ता है। नाउ प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, आई थिंक आपको ये प्रेशर टोटली होता क्या है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो लिक्विड्स एग्जर्ट करती हैं और प्रेशर जो गैसेस एग्जर्ट करते हैं। हम इसके लिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेके चलते हैं, वहाँ पर हमने शॉर्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पढ़ा दिया है और वहीं पर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं जो एनसीईआरटी की तीन बची हुई टॉपिक्स थी, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन तीनों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है इसमें कि लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है जिसमें वो रखा जाता है, उसके वॉल्स पे, उसके दीवारों पर वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। कैसे, मैं भी एग्जाम्पल से बताता हूँ। दूसरा, लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द कंटेनर। मतलब लिक्विड जो होता है जिस बर्तन में रखा जाता है उसके नीचे भी वो प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है, लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ जिसमें पानी रखा गया है, ज़्यादा पानी रखा गया है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, कम पानी रखा गया है तो प्रेशर नीचे कम लगेगा। जैसे ये एक फिगर है, आप इसमें देखिए क्लियरली अगर दिख रहा होगा आपको, तो इसमें तीन क्या रखे गए हैं, कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है। पहले वाले में बिल्कुल पानी नहीं भरा, बलून एकदम फुला हुआ नहीं है। दूसरे वाले में थोड़ा सा पानी भरा, बलून थोड़ा सा फुला, मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगा। और पानी जब सबसे ज़्यादा कर दिया तो बलून पूरा फुल गया, मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा लग गया। तो इसी के लिए कहा गया है कि लिक्विड जो होती है वो अपने जिस कंटेनर में रखी जाती है उसके दीवारों पर भी प्रेशर लगाता है और नीचे भी वो प्रेशर लगाता है। तीसरा पॉइंट, लिक्विड एग्जर्ट साइडवेज प्रेशर। जो लिक्विड होता है वो साइड में भी प्रेशर लगाता है। जैसे ये पहला वाला फिगर देखिए आप, बॉटल में साइड में होल किया गया है, प्रेशर है तभी तो पानी प्रेशर से आ रहा है ना नीचे। और चौथा वाला, लिक्विड एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर एट सेम हाइट। जो लिक्विड होता है अगर सेम हाइट पर बहुत सारे होल कर दिए जाए, जैसे बी वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें एक हाइट पर चार होल किए गए हैं और चारों होल में सेम प्रेशर से पानी आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हाइट चाहे लो हो चाहे हाई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितने भी होल हो इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है लिक्विड। तो आई थिंक आपको प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में अगर आता है तो डायरेक्टली इन चार पॉइंट्स को लिखिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसेस। अब गैसेस से प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है ये हम पता लगाते हैं। व्हेन वी इन्फ्लेट बलून, जब हम बलून को फुलाते हैं, एयर कम्स इनसाइड द बलून। एयर हवा के जो बलून होता है, बलून के अंदर हवा आ जाती है और जिसकी वजह से बलून फूलने लगता है। अब ये बलून क्यों फूलता है, क्योंकि हमारे मुंह से जो एयर निकल रही है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो बलून के वॉल्स पर प्रेशर दबा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बलून क्या हो रहा है, फूल जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसेस के, मतलब गैस में भी प्रेशर होते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, याद करना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपके लिए एकदम टू द पॉइंट चीज़ें रखी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है एयर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, हवा के दबाव को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी नो दैट लेयर ऑफ एयर
अराउंड अस इज एटमॉस्फियर, हम जानते हैं हमारे अगल बगल जो हवा है उसको हम वातावरण कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं। इट एक्सटेंड टू मेनी किलोमीटर्स अबव अर्थ एंड कंटेन्स मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये हम जिस लेवल पर हम धरती पर रहते हैं, केवल हवा हमारे आसपास ही नहीं है, ये ऊपर की तरफ कई किलोमीटर्स तक एयर का जो पूरा हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से धरती से लेके और ऊपर की तरफ कई किलोमीटर्स में फैली हुई हैं और उसमें बहुत सारे गैसेस हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा का जो दबाव होगा वो कम होगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हवा का दबाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी के लिए कहा जाता है ना, अगर आप ऊंचाई पे चले जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, हवा नहीं होती है, आपका दम फूलने लगता है। आप अगर पहाड़ पे चढ़ जाओ तो हम मास्क लेके चढ़ते हैं, ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं। तीसरा, ऑल दीज गैसेज हैव वेट एंड दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन। हम जानते हैं हर गैसेज, चाहे एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी हो गया, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसे बलून को भी अगर आप वेट करोगे ना, तो बलून का भी कुछ ना कुछ ग्राम वेट होता है। चौथा, क्योंकि बलून में कौन सा गैस भरा जाता है आपको पता है, ये हीलियम। चलिए चौथा, दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयरिक, और इसी चीज़ को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, हवा का दबाव कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने तीन पार्ट इसके पहले अपलोड किया हुआ था और ये चौथा पार्ट था। तो इन चार पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।